नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बिहार में स्कूलों की टाइमिंग को लेकर। एक बार फिर से चर्चा होने लगी है स्कूलों के समय में बदलाव को लेकर। शिक्षा मंत्री से विधान परिषद में सवाल किया गया। इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा विभाग ने 2 दिन में फैसला लेगा और शिक्षा मंत्री ने सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक स्कूल की टाइमिंग करने का भरोसा भी दिया है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि सुबह 9 बजे से स्कूल संचालन 2013 से 2021 तक होता रहा है। शिक्षा विभाग इसकी समीक्षा करेगा। JDMLC नीरज कुमार ने विधान परिषद में पूछा, जब CM नीतीश कुमार ने खुद स्कूलों की टाइमिंग 10 बजे से शाम 4 बजे की बात कही तो फिर ये लागू क्यों नहीं किया जा रहा है। नीरज कुमार के सवाल पर शिक्षा मंत्री ने ये जवाब दिया। शिक्षा मंत्री के इस बयान के बाद अब शिक्षक इंतजार में है, लेकिन 3 दिन बाद भी स्कूल की टाइमिंग नहीं बदली है। शिक्षा मंत्री ने 48 घंटे में ही टाइमिंग बदलने का भरोसा दिया था। स्कूल की टाइमिंग सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक करने का भरोसा शिक्षा मंत्री की तरफ से दिया गया था। फिर भी अभी तक स्कूल सुबह 9 बजे से शाम 4:30 बजे तक चल रहे हैं। हम 38 साल हो गया माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, अगर कोई भी बात वो बोलते तो तर्क सम्मत तरीके से बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि मन में जो राय होगा वो व्यक्त कर देंगे। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में अपनी राय व्यक्त कर दिया, जिसने भी ये दुस्साहस किया वो गलत किया। प्रथम दृष्टया इसको मानने में कोई दिक्कत नहीं है कि 10 से 4 का अनुपालन क्यों नहीं हुआ। दूसरा, सभापति महोदय, उस परिस्थिति में हम लोगों ने तमाम स्नातक शिक्षक के माननीय सदस्यों ने सामूहिक रूप से जिला शिक्षा पदाधिकारी को पूरे बिहार में डायरेक्टर को ईमेल भेजा, ये भेजा कि भाई देखिए इसका अनुपालन करवाइए। हम केवल अनुरोध यह कर रहे हैं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है और वो सदन के नेता हैं, वो विधायिका के प्रधान हैं, अगर उनके मुंह से निकला हुआ वाक्य ब्रह्म वाक्य माना जाना चाहिए। इसलिए हम अनुरोध करेंगे कि उन सदन के नेता के द्वारा जो घोषित मापदंड है, और उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन का भी उदाहरण दिया कि हम लोग भी विद्यालय जाते थे 10 से 4, तो हमको लगता है इतना बोलने के बाद अब तक विभाग को इसको संज्ञान में लेना चाहिए। ठीक, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब नए दौर में तो यह समय सारणी निश्चित रूप से निर्धारित होना चाहिए। हमने निश्चित रूप से इस विषय पर पूर्व में जो समय सारणी थी, जो प्राथमिक विद्यालयों का, उसका भी अध्ययन किया और देखा कि 2013 से लेकर के 2021-22 तक 9 से 4 बजे की समय सारणी दी गई थी विभाग के द्वारा। और उसके बाद जो बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के तहत आच्छादित है, इसके बारे में भी पूर्व में जो आदेश दिए गए थे, लेकिन जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हम सिर्फ 2 दिन का समय चाहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं, और निश्चित रूप से जो सदन की सहमति है और सदस्यों के जो विचार हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी बातों को कहा, मुझे सिर्फ 2 दिन का समय दें, इसको अध्ययन करके मैं निश्चित रूप से सकारात्मक इसके बारे में। माननीय मंत्री जी, एक लाइन मैं कह तो रहा हूँ कि इसको जरा समझ लेंगे, लेकिन इसको सारा इसके चलते 10 से 4 मुख्यमंत्री जी बोले हैं, सकारात्मक इसका प्रभाव निश्चित रूप से होगा। मैं इतना एक लाइन छूट रहा है ना कि घोषित किए जाने के बावजूद भी शिक्षकों के वेतन कटौती, उसका भी मैं निश्चित रूप से देख लूंगा। आश्चर्य की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से सदन में कहा था कि बिहार के सभी विद्यालयों को 10 से 4 तक संचालित किया जाएगा, तो ये 10 बजे से 4 बजे तक संचालित करने में अधिकारियों को क्या परेशानी हो रही है? क्यों ये लोग बच्चों की शिक्षा को बोझिल करना चाहते हैं? आनंददायी शिक्षा होना चाहिए, सबको कंफर्टेबल होना चाहिए। बच्चे ग्रामीण इलाके के हैं, उनको विद्यालय आने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ये सबको समझना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री ने जब कह दिया है तो क्यों इस पर अड़ गए हैं लोग? माननीय विधान पार्षदों के सवाल के जवाब में
कि बिहार के सरकारी विद्यालय 10 से 4 कब से संचालित होंगे, तो इस पर माननीय शिक्षा मंत्री सुनील कुमार सिंह जी ने आश्वस्त किया था कि 48 घंटे के अंदर बिहार के सरकारी विद्यालयों के संचालन के संबंध में आदेश निर्गत किया जाएगा, लेकिन 72 घंटे बीत जाने के बाद भी 10 से 4 का कोई आदेश निर्गत नहीं किया गया। अभी जब सदन चल रहा था तो बिहार के उच्च सदन में माननीय विधान परिषद महोदय लोगों के सवाल के जवाब के क्रम में शिक्षा मंत्री जी ने, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि 48 घंटे का समय दीजिए, 2 दिन का समय दीजिए, हम बिहार में विद्यालय की जो समय सारणी है उसको 10 से 4 करने पे उचित कदम उठाएंगे, रिजल्ट सामने होगा। लेकिन अभी 72 घंटे बीत गए और इस पर कोई संज्ञान नहीं है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। तो बिहार का सबसे उच्च सदन है। तो देखिए, सवाल अब यही उठ रहा है कि शिक्षा मंत्री ने 2 दिनों का वक्त मांगा, लेकिन अभी तक स्कूल की टाइमिंग 10 से 4 नहीं हुई है। अब हम आपको पूरा मामला समझाते हैं। शिक्षा मंत्री ने विधान परिषद में बयान दिया था। दरअसल नीरज कुमार ने इस मामले को लेकर सवाल शिक्षा मंत्री से पूछा था। नीरज कुमार ने शिक्षा मंत्री से पूछा कि सीएम के कहने के बाद भी आखिर क्यों स्कूल की जो टाइमिंग है उसे नहीं बदला गया है। तो शिक्षा मंत्री ने इसका जवाब देते हुए कहा कि हमें बस 2 दिन का समय दीजिए, 48 घंटे का वक्त उन्होंने मांगा था, कि स्कूल की टाइमिंग पर सकारात्मक फैसला ले लिया जाएगा। अब शिक्षा मंत्री के बयान के बाद शिक्षक इंतजार में हैं। अब तक स्कूल की टाइमिंग नहीं बदली गई है क्योंकि अब 3 दिन जो है बीत चुके हैं। हालांकि अब देखना होगा कि स्कूल का समय कब तक बदला जाता है, क्योंकि सवाल अब यही उठाया जा रहा है और साथ साथ से जो शिक्षक नेता हैं वो भी ये सवाल पूछ रहे हैं। तो बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने सदन में स्कूलों की टाइमिंग बदलने का भरोसा दिलाया था। शिक्षा मंत्री ने कहा था कि 2 दिनों में ही सरकारी स्कूलों की जो टाइमिंग है वो सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक कर दी जाएगी। शिक्षा मंत्री के बयान दिए अब 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक स्कूलों की टाइमिंग में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सुबह के 9 बजे से शाम के 4:30 बजे तक अभी भी सभी सरकारी विद्यालय चल रहे हैं। ऐसे में गोपालगंज के शिक्षकों की क्या राय है? गोपालगंज में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार ने। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने सदन में ये कहा था कि अब स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव होगा और सभी सरकारी विद्यालय सुबह के 10 बजे से शाम के 4 बजे तक चलेंगे, लेकिन स्कूलों की टाइमिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ और अभी भी गोपालगंज के तमाम सरकारी विद्यालय सुबह के 9 बजे से शाम के 4:30 बजे तक चल रहे हैं। ऐसे में शिक्षकों की क्या प्रतिक्रिया है, ये जानने के लिए हम आज पहुँचे गोपालगंज के सरकारी विद्यालय में। 4:30 स्कूल चल रहा है और बहुत गर्मी है, इसके चलते अगर 10 से 4 हो जाता तो अच्छा होता। मुख्यमंत्री भी बोले थे कि 10 से 4 स्कूल चलेगा, लेकिन अभी तो 9 से 4:30 चल रहा है। इससे बच्चों को बहुत परेशानी हो रही है गर्मी की वजह से। क्या नाम है आपका? माला सिंह है। तो इस पर हम क्या कहेंगे, मुख्यमंत्री जी सदन में घोषणा किए और हम लोग इंतजार करते रह गए, लेकिन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा विद्यालय का समय नहीं बदला गया। पुनः शिक्षा मंत्री जी द्वारा आश्वासन दिया गया कि उसका अनुपालन होगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। 9 से 4:30 तक विद्यालय अभी चल रहा है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि विद्यालय 10 से 4 हो जाएगा, लेकिन अभी तक मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं। मुख्य शिक्षा मंत्री ने भी बोला था, लेकिन हम लोग काफ़ी इंतजार कर रहे हैं, यदि वैसा हो जाता 10 से 4 तो काफ़ी बेहतर रहता। अभी भी स्कूल सर 9 से 4:30 ही चल रहा है, अब तक कोई टाइमिंग में बदलाव नहीं हुआ। जैसे शिक्षा मंत्री बोले भी थे जल्द इसका अनुपालन किया जाएगा, लेकिन अब तक कुछ ऐसा हुआ नहीं सर, अभी भी वैसे ही चल रहा है जो पूर्व टाइम था सर। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि 10 से 4 होगा, लेकिन बीच में कुछ अड़चनें आ गई जिसके चलते उन्होंने जो है ये जो है क्लास नहीं हो पाया, इस तरह से टाइमिंग में जो है थोड़ा सा ये हम लोगों ने काम नहीं हो पाया। लेकिन फिर मुख्यमंत्री ने कहा है कि फिर जो है 10 बजे से 4 बजे तक चलेगा। इसका जो है हमारे माननीय जो है शिक्षा मंत्री ने भी कहा है कि इसका अनुपालन करेंगे, लेकिन हम लोग इंतज़ार में हैं सर कि अभी तक ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ना कोई चिट्ठी आ रही है कोई। तो शिक्षकों की ये राय अभी आपने सुनी, शिक्षक भी परेशान हैं, चूँकि बच्चे भी परेशान हैं, गर्मी का मौसम है और ऐसे में शिक्षक चाहते हैं कि विद्यालय मुख्यमंत्री के कहने के अनुसार सुबह के 10 बजे से शाम के 4 बजे तक चलना चाहिए, लेकिन अभी तक इनको इंतजार है सरकारी और विभागीय स्तर पर आदेश का। गोविंद कुमार, न्यूज 18, गोपालगंज।
और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नीति आयोग की बैठक शुरू हो गई है और विपक्ष ने बैठक से दूरी बना ली है। पीएम की अध्यक्षता में ये बैठक शुरू हो गई है, तो इस वक्त की बड़ी खबर आप बता रहे हैं। देखिए, आज दिल्ली में नीति आयोग की बैठक चल रही है, बैठक शुरू हो चुकी है और इसमें शामिल होने के लिए बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, जो इसके सदस्य हैं, वो सभी पहुंच चुके हैं, बैठक में मौजूद हैं। पीएम की अध्यक्षता में बैठक शुरू भी कर दी गई है, लेकिन विपक्ष ने इस बैठक से दूरी बनाई। तो नीति आयोग की महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो चुकी है, बड़ी खबर आप बता दें, पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक शुरू हो गई है। हालांकि विपक्ष की तरफ से इस बैठक से दूरी बनाई गई है। देखना होगा अभी इस बैठक में कौन कौन से सदस्य मौजूद हैं, उसके बारे में भी आपको डिटेल में जानकारी देंगे। लेकिन अगर हम इंडिया अलायंस की बात करें, तो इंडिया अलायंस ने पहले ही नीति आयोग की बैठक से दूरी बना ली थी, तो दिल्ली में नीति आयोग की बैठक शुरू हो चुकी है। तो नीति आयोग की बैठक शुरू हो गई है और देखिए, पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक चल रही है। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ललन सिंह भी इस बैठक में शामिल हैं। केंद्रीय जीतन राम मांझी भी, केंद्रीय मंत्री, इस बैठक में मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी इसमें शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं, मौजूद हैं। इंडिया गठबंधन शासित राज्यों में ममता बनर्जी शामिल होंगी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन शामिल नहीं हो रहे हैं, पहले से ही संशय बरकरार था और देखिए अब ये साफ हो गया है कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी शामिल नहीं हुए हैं। तो नीति आयोग की बैठक, देखिए नीति आयोग एक बहुत इम्पोर्टेंट बैठक है, जो आप लोग सब लोग जानते हैं, और उसी के अनुसार हमारा जो कार्यक्रम चलता है समूचे देश का। हम सौभाग्यशाली हैं और नरेंद्र भाई मोदी जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि हमारे ऐसे आदमी को भी नीति आयोग में आमंत्रित सदस्य के रूप में उन्होंने नामित किया है। हम जा रहे हैं, कौन कौन मुद्दा को उठावेंगे वो आपके बीच नहीं कहेंगे, जो भी होगा नीति आयोग में कहेंगे, उसके बाद आप बात कीजिएगा तो हम बात कर लेंगे। तो बैठक में शामिल होने जा रहे जीतन राम मांझी को सुन रहे थे आप, जिन्होंने बयान दिया है कि नीति आयोग की बैठक में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। और देखिए, आज दिल्ली में प्रधानमंत्री की अगुवाई में नीति आयोग की महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो चुकी है। अब नीति आयोग की बैठक पर बिहार की निगाहें भी टिकी हुई हैं। मंत्री नितिन नवीन ने उम्मीद जताई है कि बैठक बिहार के लिए महत्वपूर्ण होगा। नितिन नवीन से बात की है न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। तो आपको हम खबर बताएंगे कि नितिन नवीन ने नीति आयोग की बैठक पर क्या कुछ कहा है, वो आपको सुनाएंगे भी। लेकिन इसी बीच हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता अमितेश अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। पहले उनसे बातचीत करके अपडेट ले लेते हैं। अमितेश, नीति आयोग की बैठक शुरू हो चुकी है, सत्ता पक्ष से तो सभी लोग शामिल हुए ही होंगे, विपक्ष से क्या कोई इसमें शामिल है, ममता बनर्जी को लेकर क्या खबर? देखिए, विपक्ष की तरफ से देखा जाए तो ममता बनर्जी शामिल होने के लिए पहुंच गई हैं नीति आयोग की बैठक में। कल देर शाम दिल्ली पहुंच भी गई थी, लेकिन झारखंड की जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, वो दिल्ली नहीं पहुंचे हैं। हेमंत सोरेन को भी नीति आयोग के मेंबर के नाते, हर राज्य के जो कि सीएम आते हैं, हेमंत सोरेन को भी आना था, नहीं पहुंचे हैं। निश्चित रूप से हेमंत सोरेन का नहीं आना ये दिखाता है कि एक तरह से नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार किया जा रहा है, क्योंकि वो नहीं पहुंचे हैं। कायदे से उनको आना चाहिए था, सीएम होने के नाते वो इसके मेंबर हैं। दूसरी तरफ अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली नहीं आए हैं बैठक में शामिल होने के लिए, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को इसमें शामिल होना था, लेकिन नीति आयोग के नियमों के मुताबिक उन्हें परमिशन नहीं मिला, क्योंकि सीएम के बगले किसी और दूसरे किसी को अलाउ नहीं किया जा रहा है, अलाउ नहीं होता है ऐसा, इसलिए सम्राट चौधरी शामिल नहीं हुए। अगर उनको परमिशन मिलता तो सम्राट चौधरी निश्चित रूप से आज की बैठक में शामिल होते, चूंकि वो भी दिल्ली में ही मौजूद हैं, तो सम्राट चौधरी शामिल नहीं हुए हैं। यानी बिहार के भी सीएम शामिल नहीं हो रहे हैं और झारखंड के भी सीएम शामिल नहीं हो रहे हैं आज की नीति आयोग की बैठक में। वैसे अमितेश, अगर इस बैठक के बारे में बात करें, काफी महत्वपूर्ण बैठक ये माना जा रहा है, पहली नीति आयोग की बैठक है मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की, क्या लगता है क्या कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है?
देखिए, नीति आयोग की बैठक में सभी राज्य जो है अपनी अपनी तरफ से बात रखते हैं, अपने राज्य से जुड़े हुए हित के मुद्दे को रखते हैं और उसमें राज्यों के लिए डिमांड भी की जाती है। अमूमन ऐसा होता रहा है, पहले से भी ऐसा होता रहा है कि प्रधानमंत्री के सामने और सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री बैठते हैं यहाँ पर, तो अपनी बात रखते हैं राज्य के विकास को लेकर, राज्य की योजनाओं को लेकर के, राज्य के लिए क्या बेहतर और हो सकता है, उन तमाम मुद्दों को रखते हैं और उस पर विचार किया जाता है इस हाई लेवल बैठक में और प्रधानमंत्री की तरफ से भी इसमें अपनी बात बिल्कुल रखी जाती है। अमितेश, नीति आयोग में जहां मुख्यमंत्री को मौका रहता है अपने राज्य की बात को कहने का, वैसे में नीतीश कुमार इसमें शामिल नहीं हुए हैं, तो फिर बिहार की तरफ से कौन होगा जो सवाल पूछ सकता है या मुद्दा उठा सकता है? देखिए, बिहार की तरफ से जैसा मैंने पहले ही बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही शामिल होना था, वही नीति आयोग के मेंबर है मुख्यमंत्री होने के नाते, लेकिन वो अपनी जगह से जो सूत्र हमारे बता रहे हैं इस बारे में, सूत्र के हवाले से मैं इस बात बता रहा हूँ आपको कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को कहा गया था, उनको शामिल होने के बारे में कहा गया था। सम्राट चौधरी कल शाम दिल्ली आ भी चुके थे लेकिन उनको परमिशन नहीं मिला, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक, क्योंकि नीति आयोग की जो बैठक है उसका नियम है, इसके पहले भी होता रहा है, नीतीश कुमार जब पहले एक बार नहीं आए थे दिल्ली तो उनके बदले किसी और मंत्री या किसी अधिकारी को शामिल होने की बात कही गई थी कि नीतीश कुमार के बदले शामिल हो जाए, लेकिन ऐसा परमिशन नहीं मिला था। इस बार भी परमिशन नहीं मिला है, इसलिए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी, जिनको पक्ष रखना था बिहार का, नहीं रख रहे हैं। हाँ, दूसरे माध्यम से जरूर अपनी बातों को केंद्र के सामने राज्य रख सकते हैं, इसलिए रखेंगे भी, केवल यही नीति आयोग ही फोरम नहीं है, और भी माध्यम से रखा जा सकता है, लेकिन जो नीति आयोग में आकर के अपनी बात रखने की बात थी वो बिहार की तरफ से भी और झारखंड की, दोनों की तरफ से नहीं रखी जा रही है आज की बैठक में। ठीक है अमितेश, आप इस बैठक पर नजर बनाए रखे, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो देखिये, बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है, नीति आयोग के जो सदस्य है, खासतौर पर बिहार की अगर हम बात करें तो चिराग पासवान, ललन सिंह और जीतन राम मांझी इस बैठक में मौजूद है, लेकिन मुख्यमंत्री इस बैठक में नहीं पहुंचे हैं। और बढ़ते हैं आगे, देखिए आज दिल्ली में प्रधानमंत्री की अगुवाई में नीति आयोग की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है और नीति आयोग की बैठक पर बिहार की निगाहें टिकी हैं, जैसे कि हम बार बार कर रहे हैं, और मंत्री नितिन नवीन ने भी इस पर उम्मीद जताई है कि बैठक बिहार के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो नितिन नवीन ने और क्या कुछ कहा है आपको दिखाते हैं। आज दिल्ली में नीति आयोग की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, बिहार की भी निगाह टिकी हुई, इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री नितिन नवीन मौजूद हैं। सर, आज नीति आयोग की बैठक होने वाली है और बजट के बाद इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, खासकर बिहार के लिहाज से भी। देखिए, बजट में जिस प्रकार से बिहार को विशेष अधिकार मिला, आज संपूर्ण विपक्ष की बोलती बंद है। कहीं ना कहीं कुछ लोग तो कह रहे हैं कि दिल्ली में वही पार्टी के लोग कह रहे हैं कि बिहार को ज्यादा मिला, उसी पार्टी के नेता बिहार में बोल रहे हैं बिहार को कुछ नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं दो और शब्द उनके खुद के चल रहे हैं। लेकिन बिहार को उसका विशेष अधिकार केंद्र ने दिया है। अब नीति आयोग की जो बैठकें होती हैं, 5 वर्षों की किस प्रकार से प्लानिंग हो, हर सेगमेंट में किस किस सेक्टर में हमको अधिक स्पेस की आवश्यकता है, अधिक फाइनेंस की आवश्यकता है, उसके दृष्टि से होती है। इसमें कई कंपोनेंट होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर से लेके सहकारिता से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर्स में, रोड एंड ग्रामीण डेवलपमेंट, तो हर सेगमेंट में राज्यों की क्या पॉलिसी है और सेंट्रल गवर्नमेंट एज ए फेडरल गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है स्टेट एंड सेंटर का, उसमें किस प्रकार से केंद्र सरकार किस चीज़ों को अपना प्रायोरिटी मानती है, इन दोनों राज्य और केंद्र की प्रायोरिटी का स्पेस एरिया किस किस एरिया में, उसकी चर्चा होती है। बिहार के हिसाब से आप लोग क्या चाहते हैं? मेरा तो ये मानना है कि बिहार ने जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट किया है, अभी भी बिहार को कई अर्बन प्लानिंग के साथ साथ कई इंफ्रास्ट्रक्चर में और डेवलपमेंट की आवश्यकता है। आज भी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जिस प्रकार से हम लोगों ने बड़े पैमाने पर सड़कों को डाला, लेकिन अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों के कुछ टोले ऐसे हैं जिनको हमको ठीक से जोड़ना है। जहाँ तक जलापूर्ति की विषय है, उस पर भी कुछ एरिया में हम लोग को काम करने की आवश्यकता है। और एक बड़ा एरिया हम लोग का है एजुकेशन का, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें सपोर्ट चाहिए। तो बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री नितिन नवीन, कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।